ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अकलमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब। बस मैं कहता हूँ कि क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली इब्राहिम की नस्ल और बिन मैयन के कबीला में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बानगाहों को ढा दिया, अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी ख्वाहा हैं, मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगुजीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं, और अगर फजल से बरगुजीदा हैं तो अमाल से नहीं, वरना फजल फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ? ये कि इसराइल जिस चीज़ की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगुजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आँखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सज़ा का बायस बन जाए, उनकी आँखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखें, और तो उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनकी लगजिश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। बस जब उनकी लगजिश दुनिया के लिए दौलत का बायस और उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बायस हुआ तो उनका भरपूर होना ज़रूर ही दौलत का बायस होगा। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ ताकि किसी तरह से अपनी कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज़ को निजात दिलाऊँ, क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया तो तू उन डालियों के मुकाबला में फ़ख्र ना कर, और अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैवंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों का ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा, और वो भी अगर बेईमान ना रहें तो पैवंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पैवंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कटकर जिसकी असल जंगली है असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैवंद हो गया तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में ज़रूर ही पैवंद हो जाएंगी। ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अकलमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सय्यून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन हैं, लेकिन बरगुजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे मगर अब उनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बायस
अब इन पर भी रहम हो, इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया ताकि सब पर रहम फरमाए। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उमीक है, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। उसकी तमजीद अबद तक होती रहे। आमीन।